आज से नहीं है जी, बहुत दिन हो गए। पूरा रोड जो तिराहा से लगा के जो रेडियो स्टेशन को तिराहा है जी था, पर चौबे के गड्ढा भी बोला, उतने से लगा के जो बस स्टैंड तक रोड बलो थे। और ये गड्ढा देखा जाओ आप सब, ये गड्ढा देखो आपने, कितने बड़े बड़े गड्ढा इस रोड में हो गए। देखा जाओ गाड़ी वो चकती है, लड़का भी दिया निकला तो वाहन निकला, इतने बहुत बड़ी रिस्क है आज लेकिन कायते से भैया कलेक्टर साहब नहीं निकला, तवे में निकल गए कलेक्टर साहब। का समझो जाए था इसे, का समझो जाए कि जब मिली भगत आखिर कैसी है। देखो जी गाड़ियन की हालत देखी, गड्ढा देखो, स्थिति इतनी बुरी हो गई है। देखो आप देखो कि बिटिया गाड़ी नहीं चला पा रही, इतनी बुरी कंडीशन ये रोड की है। तो पीछे गड्ढा देखा करो, गाड़ी कैसे झूला झूलत जाती। जो कहो खुले आम भ्रष्टाचार, ललकार के भ्रष्टाचार के पास। देखो जी गड्ढा देखो, ये गाड़ी की हालत देखो आप, देखा क्या रोड की हालत। तो जैसो भ्रष्टाचार के सामने कलेक्टर और निकला थे, एस पी निकला थे, सब अधिकारी सब नेता निकला। भारतीय जनता पार्टी जी की सरकार के उनकी सत्ता चल रही, नेता सब तो स्वागत हो तो उनको ऐसे, लेकिन जो नहीं देखा ठीक है लाने पट्टी बन जाता जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से सामने से लाइव की स्थिति है। बोले भ्रष्टाचार देखो हालत देखो, रोड से कलेक्टर निकला, कलेक्टर साहब निकल गए का दशका नहीं लगाया, का जनता नहीं है शहर में, आदमी नहीं रात का, आखिरकार जो अंधेर गर्दी है तो काहे दी। दिखाओ तो भैया जब लाइव की स्थिति हम तीसरी बार दिखा रहे हैं, एक खबर दो खबर तीसरी खबर, लेकिन जब तक सुधार ना हुए मुझे भी दुगनी खबर चलाओ, मुझे भी खबर चला है, मेरे डर निष्पक्ष में भी खबर चले, कोई डर नहीं। भ्रष्टाचार खुलेआम कर बहुत बढ़िया, हाँ जो बोलो बोलो क्यों बताओ, खबर सही लगा बहुत अच्छी बहुत बढ़िया। जो आपसे बात कही है बहुत अच्छी बात कही है, जो ये बीजेपी सरकार है और कांग्रेस सरकार है इन्हें सिर्फ पद चाहिए, बिल्कुल और कुछ नहीं चाहिए। हमारे यहाँ जो भी सरकार है वो सिर्फ खा रही है, केवल भैया लूट खा रही है। कौन सरकार आ जाए लेकिन जनता की हालत तो यही, रोड की हालत देखो, रोड की हालत देखो, भ्रष्टाचार को दूसरी को जाते समूह है, कौन अधिकारी नहीं निकलते थे, कौन मंत्री नहीं निकलते थे। भारतीय जनता पार्टी को कार्यालय सामने सामने कार्यालय भारतीय जनता पार्टी को रोड की हालत है, रोड की हालत भ्रष्टाचार को भैया। देखा चलो जनता चल जा चली जा रही भैया की हालत बहुत बुराई है। भ्रष्टाचार जो कहा कलेक्टर ने कैसे निकला तो कैसे सब नेता निकला, तो भारतीय जनता पार्टी को कार्यालय है जिनकी सत्ता है जिनकी सरकार है। देखो जे गड्ढा देखो हालत देखो, गाड़ियों की क्या हो गई। मेन हाईवे का हाउस जो ट्रैफिक बहुत है, लोड बहुत है, लेकिन फिकार है ऐसी चीजें से देखो गाड़ियों की हालत है। दिखाओ क्या भैया क्या स्थिति है ये रोड की, भ्रष्टाचार जो हाउस खोल के खोले यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी हम बार बार ये भी फिक्र कर रहे हैं, इनकी सत्ता इनकी सरकार, लेकिन भ्रष्टाचार आर पार, इनकी सत्ता इनको सरकार और इनको भारतीय जनता पार्टी को स्वागत करो, स्वागत हो तो माला पहराई जा तो क्या नाश्ता हो जाए, लेकिन उन्हें ये गड्ढा नहीं दिखा, जनता की तकलीफ नहीं दिखा, ना कोनो नेता का दिखा ना कोनो काय बेटा रोड की का है हालत। पढ़ाइया लड़का बेचारे जाते कितनी बड़ी रिस्क लाते, अभी बनी आती वही कहा भ्रष्टाचार खोले यहाँ भ्रष्टाचारी।
खुलेआम भ्रष्टाचार जो काउ जो काउ भ्रष्टाचार के सामने हो, भारतीय जनता पार्टी के सामने कार्यालय के मंत्री और मिनिस्टर और लेकिन नहीं देखा, जनता की तकलीफ नहीं देखा भैया, क्या है जनता की तकलीफ नहीं देखा, आदमी ऐसे पे मरत मरत बचत ऐसे का क्या होगा, मोटरसाइकिल वाले की टैक्सी वाले की हालत खराब हो जाए, अच्छा हालत हो जाए, सवारी जो कहते थे वो भी राम भरोसे निकलत के भैया कहूँ पलट ना जाए टैक्सी ना, रोड की हालत का रोड की हालत आज की मान के बहुत ज्यादा गंभीर है, यहाँ रिक्शा भी पलटते हैं, दुर्घटना बहुत ज्यादा होती है, अब कैसे बाहर निकलेंगे जी, तुम लोगों की कौन सुनवाई, अरे कहाँ सुनवाई हो रही, मालक बताइए कोर्ट कहाँ जाते होता है, अरे बोले हो जाएगा अस्तवासन सब भैया, गरीब जनता मारी मारी लेकिन ना तो नेता नगरी हल रही भैया, चलाओ तो रवि भ्रष्टाचार के लगे रवि जानी जाते थी खबर, अब देखो आगे चल के हम आपका देखो कि गड्ढा इतने ज्यादा हो गए सड़क पे के आदमी को लेकर वो आगे चलो आप हम देखवा रहे आपका गड्ढा कितने ज्यादा है कितने बड़े, तो लाइव स्थिति में जुड़े रहा भैया खबर जाने बड़े बड़े अधिकारी भैया सब कैसे सब अधिकारी जितने लेकिन कोई को ध्यान नहीं जा रहा, कोई को ध्यान नहीं जा रहा कि रोड में हालत आखिर का है, जनता की हालत का खुलेआम भ्रष्टाचार कलेक्टर का नहीं देखा कैसे कहा भैया कछु क्यों हो रोड के बारे में आप लोग बोलो कछु क्या हालत है रोड की, रोड जो नेशनल हाईवे का हो बहुत बड़ा ट्रैफिक चल रहा है, क्या हालत है सची के बोलता बेहद भैया जो है इतना से निकलत कलेक्टर बोले या बहुत तेज तर्रार कलेक्टर यार काहे के तेज तर्रार यार, नहीं 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 काहे के तेज तर्रार आखन के नेते भ्रष्टाचार हो रहा हूँ ये कैसे नहीं कर रहे, कैसे भारतीय जनता पार्टी को कार्यालय पूरे नेता मंत्री आगे माला पेरा स्वागत कराओ चार समोसा खा जो नहीं दिखा जनता की तरफ डावर रोड बनने के 8 दिन के अंदर पहले से ज्यादा अधिक गड्ढे हो गए है ना बारिश में, और जब उस बारिश का पानी नगर पालिका ने रोड की ओर गहरे कर दिया तो उतना यहाँ भैया जनता की हालत बहुत बुरी है, सरकार को भी हो चाहे वह भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो लेकिन जनता जैसी मर रही थी वैसी मर सुधार कछु नहीं, भ्रष्टाचार की भेंट कर रहा हूँ सब कछु और बुंदेली चुगली के लाने जानी जात, हम एक एक पुर्त खोलत भैया हम एक एक चीज रखत सामने के आखिर मजो का है, जो रोड की हालत से सब अधिकारी निकलत मंत्री निकलत का भैया और रोड की हालत के कछु क्यों हो, हालत तो बहुत खराब है भैया हकीकत ये कहा भैया दर्शक ये हकीकत जनता बोलत थी भी कागजन पे चल रहा जब कागजी खेल है नंबर वन बनाओ जा रहा छतरपुर का सफाई में नंबर वन शिक्षा में नंबर वन सीएम हेल्पलाइन किताबे में नंबर वन लेके सब कागजी भैया भैया
कागजी खेल है भैया, कागज के खेल में छतरपुर नंबर वन। अगर भ्रष्टाचार को खिताब मिलत हो तो नंबर वन छतरपुर आते भैया। क्या बात है, बिल्कुल हम पक्की बात बता रहे हैं। अगर शायद कहूँ भ्रष्टाचार को सरकार को इनाम निकालन लगे, कोनू मेडल निकालन लगे, कोनू ऐसा करन लगे कि भैया जो मिले जो सबसे बड़ो भ्रष्टाचारी, तो छतरपुर जिला पहले नंबर पे आ है। भ्रष्टाचारी को खिताब अगर मिले तो छतरपुर जिला का पूरे विभाग सब भ्रष्टाचार में लिप्त है। कोनू विभाग हो, शिक्षा विभाग शिक्षा को मंजर उसे दलाल जमे कलंकित कर रहे हैं। बोले तो विभाग होते अलग, जनता मर रही, यूपी जा रही, कोई सुनवाई नहीं। राजस्व विभाग किसान मर रहे हो, कोई सुनवाई नहीं। स्वास्थ्य विभाग आदमी मर जाए दवाई नहीं जाए, कोई सुनवाई नहीं। ये देखो ये गड्ढा देखो, इनकी हालत देखो, रोड की हालत जो है भैया बुंदेली टूटी मतलब के जीवे से जागे जी, सरकार जागे, शासन प्रशासन जागे। अब बुंदेली टुकड़ी की प्रस्तुति लाइव हमें तो समाप्त कर रहे हैं। फिर कौन खबर लेके हाजिर होगी, तब तक खिलाने भैया राम।